नमस्कार दोस्तों, हम हैं नवाबों की नगरी लखनऊ में। जी हाँ, नवाबों की नगरी लखनऊ से हम लोग निकले हैं अयोध्या के लिए। यहाँ मित्रों शाम तीन बजे भोर में हम पहुँच पाए थे, क्योंकि बाढ़ था, चारों तरफ रास्ते बंद थे, अननोन रास्ता, सिंगल रोड आपने देखा ही। 3:30 बजे भोर में आए, रुके, 10 बज गया आज जगने में। काफ़ी थकान सी महसूस हो रही है अभी भी, काम किए और अब यहाँ से हम लोग निकल रहे हैं अयोध्या। देखिए, हम लोग जो यात्रा कर रहे हैं वो यात्रा कर रहे हैं एक सीएनजी कार से। यात्रा करने में बहुत ही बचत हो रही है, बहुत अच्छा लग रहा है, क्योंकि सीएनजी से जो गाड़ी चल रही है उसका एवरेज बहुत बढ़िया मिल रहा है। तो अभी हम सीएनजी लेंगे फिर आगे चलेंगे। ये रही हमारी गाड़ी। देखिए, हम हैं लखनऊ और लखनऊ के आम तो फेमस हैं, ये आप भी जानते होंगे, बहुत वैरायटीज़ के आम हैं। हम दशहरी लेंगे, यहाँ का दशहरी टेस्ट करेंगे। भाई सुबह से खाना खाए नहीं, नाश्ता किए हैं, अब चलते हैं, यहाँ खाना खाएंगे, देखते हैं फिर आगे। पता नहीं कब पहुँचेंगे, कब खाना मिलेगा नहीं मिलेगा, तो खा लेते हैं। आम खाना हम लोग शुरू कर रहे हैं। देखिए, आम कभी भी खरीदिएगा, हम लोग खरीदे हैं आम, हमने बीच के चढ़ाया है अपनी मर्जी से, लेकिन उसने जो दे रहा था केवल एक आम चढ़ाया है और खेला उसी में कर दिया। ये देखिए, एक ही आम चढ़ाया और एक उसने कर दिया। तो कभी भी फल लीजिए तो खोल करके प्लास्टिक से ज़रूर देखिए, क्योंकि सड़े गले वो तुरंत खपा देते हैं। और ये देखिए, कर दिया। अब गाड़ी से थे हम लोग, लेके चले आए यहाँ, अब यहाँ से वापस कौन करने जाएगा। जय श्री राम दोस्तों। आखिर कल से निकले हम लोग, देखिए प्रभु राम की नगरी, प्रभु श्री राम की नगरी अयोध्या पहुँच ही गए। ये है, जब आप लखनऊ से आएंगे लगभग 130 किलोमीटर की दूरी पे ये है, और अब हम अयोध्या इंटर करेंगे। बोलिए जय श्री राम। जय श्री राम। मैं उसी समय देखिए आया था यहाँ जब प्राण प्रतिष्ठा थी, और दूसरी बार आज यहाँ आ रहा हूँ। भाई साहब देखिए, पूरे आप बीच में देखें कितना बढ़िया गार्डनिंग की गई है, ये पौधों की व्यवस्था, और ये देखिए सूर्य स्तंभ आप देख सकते हैं, इलेक्ट्रिक बसें रोड पे दौड़ रही हैं, और बहुत ही बढ़िया। ये लाइट जो आप देख रहे हैं ना, ये लाइट भारत में मुझे लगता है कि मैं बहुत जगह घुमा हूँ, लेकिन ये लाइट मैंने कहीं नहीं देखी। ये जो लगी हुई है देखिए, कितना रात होगा तो आपको दिखाऊँगा, बहुत ही शानदार रूप से चमकेंगी। और थोड़ा सा यहाँ आज हम चेक करेंगे होटलों के दाम, होटल वगैरह का क्या है, क्योंकि बहुत लोग तरह तरह की बातें करते हैं, लेकिन होटल के दाम आज देखेंगे कि क्या है, कैसा रेजिडेंस के लिए, यदि आप अयोध्या का प्लान बना रहे हैं तो कैसा है, ये देखते हैं आज। अयोध्या देखिए, अयोध्या मेन मार्केट में है, और हिंदुस्तान की यही खूबसूरती है, अयोध्या हिंदुओं का सबसे पवित्र और पावन जगह है, राम जन्मभूमि है। और सामने आप देखिए मस्जिद दिख रही है आपको, यहाँ भी मस्जिद है, यानी हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सभी यहाँ स्वतंत्र रूप से अपने धर्मों का पालन कर रहे हैं। यदि आप इस्लाम को देखें तो किसी इस्लामिक कंट्री में, जो उनका मक्का हो मदीना हो, वहाँ हिंदू का छोड़िए किसी गैर मुसलमान की कोई भी पूजा करने वाली मंदिर आप कतई पाना तो दूर की बात है, सोच नहीं सकते हैं। और यहाँ देखिए राम जन्मभूमि है, राम का जन्म हुआ है, अयोध्या है, और यहाँ मैंने आपको दिखाया है कि मस्जिद बगल में है और सभी लोग हैं। हम पहुँच गए देखिए श्री राम पथ, और इस पथ पे ये देखें दुकानें जो है, एक दोनों तरफ दुकानें एक सी रंगी हुई पाएंगे आप, एक सी दुकानें, एक सा जो है सब घरों का कलर एक सा, दुकानें एक सी, और सजावट बिल्कुल एक सी, साफ सुथरी शानदार सड़क। और इससे हम लोग, हम राम पथ पे हैं, और राम पथ है, लोग कह रहे हैं टूटा है, ये है, हमने तो अभी तक नहीं देखा, आगे देखते हैं। अब अयोध्या में रहेंगे दो दिन तो एक एक चीज़ तो यहाँ की आपको दिखाएंगे। बहरहाल जो हम फील कर रहे हैं अयोध्या आकर के, बहुत शानदार और सुंदर तरीके से इस बार इसको, अयोध्या को बनाया गया है, और सच में घूमने वाली जो है, घूमने लायक जगह है, ये बहुत शानदार।
यहाँ जो सबसे अजीब चीज हम लोग फील कर रहे हैं या देख रहे हैं ना, रोडों पे एक भी प्लास्टिक नहीं है भाई। आप खुद देखो ना, रोड पे कहीं भी हम जब से चल रहे हैं अयोध्या में, हमने रोड पे लग रहा है यहाँ से गाड़ियों को इजाजत है कि नहीं है ये देखते हैं। नहीं जा तो रही है गाड़ियाँ, ये देखिए हम लोग भी चल पड़ेंगे। ये श्री राम भूमि, हम लोग गेट नंबर 11 के तरफ से है आगे बढ़ रहे हैं। ये देखिए चारों तरफ पब्लिक बहुत भी है, श्रद्धालु की भीड़। ये इस समय भी श्रद्धालु बहुत है भाई, ये देखिए ये देखिए श्री राम जन्मभूमि के पथ पे है और आगे मंदिर, और यहाँ से श्रद्धालुओं की भीड़। ये देखिए कितनी भीड़ है यहाँ, संध्या का समय, बहुत ही शानदार और सुंदर दृश्य है। और भाई जो लोग कह रहे हैं ना कि अयोध्या वालों से कोई कुछ खरीद नहीं रहा है, ये देख लो दुकानों पे इतनी भीड़ है कि नंबर लगा के भी जाओगे ना तो 10 मिनट बाद तुम्हारा नंबर आएगा, इतनी ज़्यादा भीड़ है दुकानों पे। बहुत शानदार और बहुत बढ़िया अयोध्या नगरी है। सरयू जी की आरती, संध्याकालीन आरती के लिए देखिए घाट पे लोगों की, भक्तों की भीड़ लगी हुई है और आरती का समय हो रहा है। शाम का समय हो, सरयू जी के पुल पे टहलने का जो आनंद है वो बहुत ही सुखमय है, बहुत ही शानदार है मित्र। भाई जो लोग कह रहे हैं ना कि अयोध्या में कोई जा नहीं रहा है दर्शन करने, कोई है नहीं, उनको ये चीज़ें ध्यान से देखनी चाहिए। हम लोग आधे घंटे से इसमें फंसे हुए हैं एक ही जगह पे, और हम हैं राम की पैड़ी में, और यहाँ इतनी भीड़ है कि पैर रखने तक के लिए जगह नहीं है, बहुत ज़्यादा भीड़ है भाई। ये देखिए आप देख सकते हैं कितना बड़ा ट्रैफिक है, और ट्रैफिक में गाड़ियाँ रेंग रही हैं, हम लोग यहीं फंसे हैं। ये देखिए लता मंगेशकर चौक से हम लोग आगे निकल रहे हैं, और ये सूर्य स्तंभ कितना, मतलब कितना शानदार लग रहा है नज़ारा रात का, मैं क्या बताऊँ आपको, बहुत ही दिव्य भव्य एकदम। ये देखिए सूर्य स्तंभ एकदम सूर्य की तरह, कभी आप आएंगे तो देखेंगे कि एकदम सूर्य की तरह ये रोशनी दे रहा है, एकदम जैसे सूर्य की लालिमा होती है बिल्कुल वैसे। ये देखिए सूर्य स्तंभ से हम लोग निकल रहे हैं, और कहीं रोड धंसी नहीं है यार, मैं तो परेशान हूँ। लोग कह रहे थे राम पथ पे ये हो गया है, वो हो गया, अयोध्या में ये गिर गया, हमने तो पूरा अयोध्या घूम लिया लेकिन कहीं पाए नहीं। और ये देखिए इस पे भी चल रहे हैं। यदि आप अयोध्या की यात्रा कर रहे हैं तो देखिए आप, बेहतर होगा कि पहले से ही रूम बुक करके करें, नहीं तो यहाँ होटलों की हालत यह है कि जो रूम बाहर 600-700 का दूसरे शहरों में मिल जाता है, वहाँ 2500-3000 रुपये तक के हैं, तो इसलिए यहाँ आने से पहले बुक जरूर कर लीजिए। फाइनली रूम हम लोग जहाँ रुके थे वहाँ से लगभग 4 किलोमीटर चलने के बाद रूम हम लोग मिल गया हमें, और ठीक रेट पे मिला है। आप कभी भी यात्रा करें तो इस चीज़ का याद रखें कि ये अयोध्या आ रहे हैं तो रूम पहले से बुक करें, नहीं तो यहाँ लूट लिए जाएंगे। 500 का रूम यहाँ 2500 से कम का आपको नहीं मिलेगा। देखिए अयोध्या में हमने ये रूम लिया है, और बहुत ही शानदार रूम आप देख सकते हैं, फर्स्ट क्लास एसी वगैरह सारा कुछ है, और कितने कम रेट में लिया है मैं आपको कल की वीडियो में बताऊंगा, और यहाँ मैं आपको बताऊंगा कितने में लिया।